Hello students, good morning and you are welcome in online smart classes conducted by St. James School and College Library. Today, I, Mr. Rajesh Trivedi, explain topics related to chapter 2 of biology of class 10th, which is human chromosome. So, human chromosome DNA in subjection better क्लास 10th में आईसीएसई बोर्ड में वन वर्ड स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको सब कुछ याद रखना होता है लगभग लगभग। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी देखते कैसे कवर होता है। ओके बच्चों, तो आप ये जानते हो कि मैंने ये डायग्राम बना रखा है सेल का, है ठीक, किसका है, सेल का। अगर मैं इसमें डब्ल्यू कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लांट सेल हो जाएगा, क्योंकि आप इसको सेल वॉल बोल दोगे। सेल वॉल दैट इज सेल हो गया, प्लांट सेल हो गया, कौन सा सेल हो गया, प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर बच्चों क्या है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम। ठीक, तो ये क्रोमोसोम जो है इस समय किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये जो क्रोमोसोम है इस समय क्रोमेटिन नेट के रूप में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में, क्रोमेटिन नेट। तो प्लांट सेल में ये क्रोमोसोम जो है किस रूप में प्रेजेंट है, क्रोमैटिन नेट। तो क्रोमैटिन नेट क्रोमोसोम में कब कन्वर्ट होता होगा, तो आपने किसी वीडियो में पढ़ा था कि सेल डिवीजन क्या होता है। तो सेल डिवीजन में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पढ़े थे। तो प्रोफेज स्टेज में PROPHASE मीन्स इस सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेट है या क्रोमेटिन थ्रेड। इस ये क्रोमेटिन थ्रेड जो होता है वो क्रोमोसोम में कब कन्वर्ट होता है, प्रोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की प्रोफेज स्टेज में क्रोमेटिन नेट कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम। अगर ये ह्यूमन बीइंग का सेल होता है तो एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम। ठीक, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम। तो मैं यहाँ पर एक क्रोमोसोम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये क्लियर हो गया होगा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेट, सेल डिवीजन के समय प्रोफेज स्टेज में क्रोमेटिन नेट कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम। अभी क्रोमोसोम का फिगर हो गया बच्चा। क्रोमोसोम में आप ये देखते हैं कि क्रोमोसोम का जो फिगर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इसमें बच्चों दो जगह पर कंस्ट्रिक्शन हुआ, जैसे रॉड आ रही है ये, तो यहाँ पे आने के बाद ये क्या हो गया, कंस्ट्रिक्ट हो गई, फिर उसके बाद ये चली, तो दोबारा इस जगह पे कंस्ट्रक्शन हुआ। तो आप इसको कह सकते हो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और इस वाले पॉइंट को आप क्या कह सकते हो, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को आप क्या बोलते हो, सेंट्रोमियर, CENTRO, क्या बोलते हो, सेंट्रोमियर, CENTROMER। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को आप सेंट्रोमियर बोलते हो, लेकिन जरा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को देखो। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में ये यहाँ पे जो बन रहा है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये क्या है, न्यूक्लियोलस, NUCLEOLUS, न्यूक्लियोलस। मींस ये वो कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वो एरिया होता है जहाँ पर न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम इस एरिया को बोलते हैं न्यूक्लियोलर रीऑर्गेनाइजर। ठीक, न्यूक्लियोलर रीऑर्गेनाइजर। अच्छा ठीक हो गया। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर का जो स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर का स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम है कॉल्ड इट सैट क्रोमोसोम या सैटेलाइट, SAT का मतलब सैट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलोगे। तो बोर्ड में आया था आपकी क्लास 9th में कि व्हाट इज सैट क्रोमोसोम, तो सैट क्रोमोसोम क्या है, तो आप यही बोलोगे द स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम लाइज अबव द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, स्मॉल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम लाइज अबव द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कॉल्ड इट सैट क्रोमोसोम। हो गया। अब नेक्स्ट आता है बच्चों की जैसे ये क्रोमोसोम बना होगा, इस क्रोमोसोम में देखिए, तो क्रोमोसोम में ये क्या चीज है, सेंट्रोमियर, जिसको आपने ये बोला था प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। सेंट्रोमियर के फोर साइड्स में क्या लगे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स। ठीक, तो क्रोमेटिड्स। अब एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड्स हैं, तो बच्चे ये वन माना जाता है, ये वन क्रोमेटिड हो गया, और ये क्या हो गया, सेकेंड क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स होते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए ये सेंट्रोमियर है, तो इससे देखो दो धागे निकल रहे हैं,
देखते हैं कि ये जो क्रोमोसोम इस तरह से दिखाया जाता है वो एक्चुअली इस तरह का होता है। इसका मतलब है ये जो क्रोमेटिड्स हैं एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं और इस मेम्ब्रेन को आप क्या नाम देते हो, पेलकिल। पेलकिल क्यों दिया, क्योंकि बच्चों जो ये मेम्ब्रेन जो होती है पेलकिल जिसका नाम दिया है, अगर कोई मेम्ब्रेन केवल प्रोटीन की बनी होगी तो कॉल्ड इट पेलकिल, अगर लिपिड और प्रोटीन की बनी होती मीन्स हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि बच्चों ये यहाँ पे लिपिड नहीं होता है, कोई भी मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, लेकिन क्रोमोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है ओनली प्रोटीनेसियस होती है, इसीलिए इसको हम पेलकिल बोलते हैं। तो पेलकिल क्यों बोला गया, क्लियर हो गया, क्योंकि इट मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन लिपिड आर एब्सेंट सो इट इज कॉल्ड पेलकिल। अब यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड को फिल जो फिल है यहाँ पे, इसको क्या बोलोगे आप, मैट्रिक्स। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर समझ में आ गए कि क्रोमोसोम क्रोमैटिनेट कन्वर्टेड टू क्रोमोसोम इन प्रोफेज स्टेज, इसमें टू टाइप्स के कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को आप क्या कह सकते हो, न्यूक्लियोलर रीऑर्गेनाइजर, न्यूक्लियोलर रीऑर्गेनाइजर। सेट क्रोमोसोम क्या है, कहते हैं कि द स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम लाइज अबव सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कॉल्ड इट सेट क्रोमोसोम। फिर उसके बाद बताया कि इट इज कवर्ड बाय पेलकिल, पेलकिल को बोलते हैं क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन एंड इनसाइड द पेलकिल लिक्विड आर फाउंड कॉल्ड इट मैट्रिक्स। आगे पढ़ते हैं बच्चों, फिर अब क्रोमोसोम को मैंने पेलकिल हटा दिया, क्रोमोसोम को बाहर ले आया। क्रोमोसोम में देखा कि ये क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से मिलकर बना हुआ है, इसके इस पोर्शन को आप क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, और ये क्या है, क्रोमेटिड्स। आप इस क्रोमेटिड को जरा देखिए, तो क्रोमेटिड्स में ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक, जैसे लगता है स्वेटर से हम एक धागा निकाल के उसको खींचते चले जाएं तो क्या बढ़ता चला जाएगा, उसी तरह से इमेजिन कर सकते हो कि इस धागे को हम निकालते रहें तो खुलता चला जाएगा। तो ये जो धागा आप निकाल रहे हैं इसको आपने क्या नाम दिया, इसका नाम दिया होगा क्रोमेटिक फाइबर, ये नाम क्रोमेटिन फाइबर। तो ये जो धागा है यानी कि जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन के अंदर क्या होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमोसोम पूरे को बोलोगे, इन जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बने उनको क्या बोलोगे, क्रोमेटिक, और क्रोमेटिक के अंदर कौन है, क्रोमेटिन फाइबर। अब इस क्रोमेटिन फाइबर को गौर से देखो, तो ये जो गौर से फाइबर देखते हो उसमें नारेदार स्ट्रक्चर पाए गए हैं, तो ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर पाए गए हैं मोती जैसे, इन बीड लाइक स्ट्रक्चर्स को अगर हम मैग्नीफाई करें तो ऐसे दिखते हैं, ठीक। अब ऐसे दिखते हैं हमने, तो देखो दो डॉट्स को मैंने मैग्नीफाई किया, एक डॉट ऐसा एक डॉट ऐसा, तो बिल्कुल स्ट्रिंग, फ्लावर स्ट्रिंग की तरह दिखाई देते हैं, जैसे फूलों की माला। मान लीजिए फ्लावर हो गया, ये फ्लावर हो गया, ये फ्लावर हो गया, ये फ्लावर हो गया, ये बीच में क्या प्रेजेंट है, धागा है। तो आप इस धागे को बोल सकते हो कि ये, और ये क्या होते हैं, प्रोटीन। अब आपको समझ में आ गया, क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं उनके डॉट्स को अगर मैं मैग्नीफाई कर दूं तो ये हैं। अब ये हैं तो ये है क्या बच्चे, इसमें क्या है, ये कितने स्फीयर्स बने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मींस इमेजिन कर सकते हो कि एक छोटी छोटी बॉल ले लो आप, और उन एक छोटी छोटी बॉल को आपस में चिपका दो, चिपक गई। अब उसके बाद एक रिबन ले लो, उस रिबन को 2.5 times उसमें लपेट दो, तो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन के तैयार हो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। मैंने क्या बोला, 8 histone protein दैट इज 8 small balls आपने टेस्ट कर दी। उसके बाद डीएनए से उसके ऊपर कितने टर्निंग किया आपने, 2.5 coil, तो क्या फॉर्म हो गया, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड इट न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन क्या है, when 8 molecules of histones are wrapped, WRA, wrapped by 2.5 coil of DNA, called it nucleosome. तो nucleosome ये हो गया। अब मैंने लिख दिया ये कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन। इसको DNA ने रैप कर रखा है, DNA इसको कितने टाइम्स रैप करता है, 2.5 times। अब एक क्रोमोसोम में कितने पाए जाते होंगे, तो बच्चे एक क्रोमोसोम में मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, मिलियंस। तो सिंगल क्रोमोसोम कंटेन मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम ये है, न्यूक्लियोसोम से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है व्हिच आर फॉर्म बाय द डीएनए एंड हिस्टोन। इट इज बिलीव दैट कि डीएनए जो होता है वो 75% पोर्शन होता है और जो प्रोटीन होती है वो 25%, तो
25% और ये 75%, ये कितना होता है 25% और ये कितना होता है 75%। अच्छा बच्चों, तो ये टॉपिक, ये डॉट लगे हुए हैं, डॉट पे टिक लगा था, मतलब ये टॉपिक आपका यहां से यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में था क्रोमोसोम की डिस्कवरी, किसने की थी, तो बॉलडेयर। तो बॉलडेयर ने 1888 में क्रोमोसोम को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया। नेक्स्ट आते हैं कि ये सेकंड डॉट, जैसे पहला डॉट हो गया सेकंड डॉट, सेकंड डॉट में ये क्या किया, आपने इसको नाम दिया था सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर क्रोमोसोम फॉलन फोर टाइप्स होते हैं, 1 2 3 4। आपके नाइन्थ में फिर से क्वेश्चन आया था, टेंथ में तो अभी पेपर ही नहीं हुआ, जब होगा तो देखेंगे आता है। तो ये फोर टाइप के जो क्रोमोसोम है किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर अगर जो सेंट्रोमियर क्रोमेटिक के केवल एक साइड में हो और इसके दूसरे साइड क्रोमेटिक ना हो, जैसे यहाँ पर तो सेंट्रोमियर के ऊपर भी क्रोमेटिक है नीचे भी है, लेकिन इसमें आप देख रहे हो केवल ओनली लाइज ऑन लोअर साइड, अपर साइड में क्रोमेटिक एब्सेंट है, इसीलिए इसको आपने क्या बोला किलोसेंट्रिक। किलोसेंट्रिक की क्या पहचान है, इसके वन साइड क्रोमेटिक प्रेजेंट होगा और वन अनदर साइड का होगा क्रोमेटिक एब्सेंट, किलोसेंट्रिक। इसमें क्या बोला गया, इसको बोला गया एक्ट्रोसेंट्रिक। एक्ट्रो का मतलब होता है चोंच लाइक, तो चोंच लाइक यानी कि आप कह सकते हो कि एक साइड लॉन्ग क्रोमेटिक होगा, एक साइड स्मॉल क्रोमेटिक होगा, तो कॉल्ड एक्ट्रोसेंट्रिक। अब ये जो नेक्स्ट है इसको बोला गया सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक में ये लुक लाइक ए जे शेप या एल शेप, जे ऐसे होता है ना या फिर एल ऐसे होता है, इनवर्टेड एल। तो अगर आपका जो क्रोमोसोम है वो जे शेप या एल शेप लुक होता है तो कॉल्ड इट सब मेटासेंट्रिक। इसको कहा गया मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर के जो दोनों क्रोमेटिक्स होते हैं इक्वल लेंथ के होते हैं, तो ये आपको वी शेप लगता है, इनवर्टेड वी शेप, और सेंट्रोमियर लाइज इन सेंटर, इसलिए इसको बोला गया मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर सेंटर पॉइंट पे है तो मेटासेंट्रिक हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा सेंटर पे नहीं, क्योंकि वन साइड ऐसा है स्मॉल है, वन साइड लार्ज है, लुक लाइक ए जे शेप या एल शेप, और सब मेटासेंट्रिक। इसमें बोला गया वन साइड स्मॉल, वन साइड लार्ज, और ये स्ट्रेट आई जैसा दिखता है, कॉल्ड इट एक्रोसेंट्रिक। टेलोसेंट्रिक में वन साइड होता है, वन साइड नहीं होता है। तो ये था बच्चों सेकंड क्वेश्चन, कितने टाइप के क्रोमोसोम्स हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन, 1 2 3 4। नेक्स्ट बच्चों ये पॉइंट है, ये क्या है, जो सूरज जैसा सनलाइट स्ट्रक्चर बना है इसका नाम है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर जरा कंफ्यूजन खत्म कर लीजिए आप, क्रोमोसोम के इस स्फेरिकल पोर्शन को आप क्या बोलते हैं सेंट्रोमियर। यहाँ पर ये सेंट्रोसोम है, सोम मीन्स होता है बॉडी, ये केवल बच्चों एनिमल सेल में पाया जाता है, किसमें, एनिमल सेल में ही पाया जाता है, ओनली इन एनिमल सेल। सेंट्रोसोम को देखो, सेंट्रोसोम में ये जो टू टी लाइक स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं बोलते हैं सेंट्रियोल। एक सेंट्रोसोम में दो टी हैं, दैट इज ई सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल, और जो ये रेस लाइक स्ट्रक्चर लगे हैं इनको बोलते हैं एस्टर रेस, ए एस टी ई आर, एस्टर रेस। तो सेंट्रोसोम ये होता है केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। अब सेल डिवीजन के समय ये सेंट्रोसोम स्प्लिट हो जाता है, ठीक इसी प्रोफेज स्टेज में। प्रोफेज स्टेज में सेंट्रोसोम किसमें स्प्लिट हो जाएगा, टू सेंट्रियोल। तो सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल होते हैं, अब जो तीन सी आ गए ना, एक आ गया सेंट्रियोल, एक आ गया सेंट्रोसोम, और एक आ गया सेंट्रोमियर, तीनों आप क्लियर कर लीजिए। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम के अंदर होते हैं, जब सेल डिवीजन होता है तो प्रोफेज स्टेज में सेंट्रोसोम स्प्लिटेड इनटू टू सेंट्रियोल। अब ये जो सेंट्रियोल है तो सेल डिवीजन की प्रोफेज स्टेज को देखिए, मेटाफेज को, मेटाफेज स्टेज में क्या है, ये एक सेंट्रियोल हो गया, ये दूसरा सेंट्रियोल हो गया, और ये जो इसके एस्टर्स हैं इसमें क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर। तो ये स्पिंडल फाइबर जो है इनको कौन बनाता है, इनको बनाता है एस्टर्स, और इस तरह से ये होता है। तो समझ आ गया कि सेंट्रोसोम क्या होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक ये था बच्चों। अब उसके बाद आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ते तो डिप्लॉयड क्रोमोसोम और हैप्लॉयड क्रोमोसोम। मैंने बताया ह्यूमन बीइंग के एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। तो आप इसको बोलोगे बच्चों 2n = 46, ठीक 2n = 46, या आप ये भी कह सकते हो 23 पेयर, ठीक।
इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन अगर यही क्रोमोसोम हाफ हो जाए 46 का 23 तो इन टू एन से एन हो गया ना, तो एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम को या हाफ क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड। और ये जो क्रोमोसोम हाफ कब होते हैं, जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं यानी स्पर्म ओवम पॉलन ग्रेन्स एग एक्सेट्रा, तो हैप्लॉयड क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं किसमें, गैमेट्स में। तो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड क्या होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिप्लॉयड, और जो उसका हाफ हो जाए तो उसको कॉल्ड हैप्लॉयड क्रोमोसोम। और हैप्लॉयड क्रोमोसोम मोस्टली किसमें पाए जाते हैं, गैमेट्स, जैसे कि स्पर्म ओवम एंड सो ऑन। ये वाले टॉपिक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं, इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। ह्यूमन क्रोमोसोम, तो हमने अभी बताया कि इन ईच सेल ऑफ ह्यूमन बींग्स 46 क्रोमोसोम्स आर फाउंड। ह्यूमन बींग की प्रत्येक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 22 पेयर मतलब बच्चों हो गया 44 क्रोमोसोम्स। तो 44 क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल में सेम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। लेकिन जो 23rd पेयर होता है यानी 23वां पेयर जो होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं मेल में होंगे एक्स वाई टाइप के और फीमेल में होंगे एक्स एक्स टाइप के। तो बताओ 44 ये हो गया ना, अगर मेल होगा तो क्या होगा 44, 45, 46, फीमेल होगा तो 44, 45, 46। इसका मतलब 46 में से 44 मेल फीमेल में सेम होते हैं, बाकी जो 45, 46 होता है अगर मेल होगा तो ये होगा, फीमेल होगा तो ये होगा। तो ये 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसको क्या नाम दिया गया है, एलोसोम्स, आल्सो नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। अगर हम क्रोमोसोम कितने क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम को हम बड़े से छोटे के क्रम में अरेंज करते हैं, 46 क्रोमोसोम का ऐसे 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 अरेंज करते हैं, दिस रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा हम, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम। और डायग्रामेटिक का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको साइज लगाना है। तो अगर हम क्रोमोसोम को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो एक डायग्राम रिप्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं इडियोग्राम। तो जरा सेकंड डॉट में देखिए क्या लिखा है, ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कैरियोटाइप ऑफ ए स्पीशीज इज कॉल्ड इडियोग्राम। ये इडियोग्राम हो गया। और ये याद रखिएगा बच्चों कि वाई क्रोमोसोम सबसे स्मॉलेस्ट होता है, उससे बड़ा एक्स होगा, फिर उससे बड़े ये सारे होंगे, तो सबसे छोटा कौन होगा, वाई, उससे बड़ा एक्स, बाकी फिर सबसे बड़े, ऐसे ऐसे चले जाएंगे। अब आता कि ये कैरियोटाइप क्या होता है, तो द टर्म कैरियोटाइप दैट हैज बीन गिवन टू ए ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम, मतलब बच्चों क्या है कि यहाँ पर जब आप क्लास में या बुक में देखोगे तो उसमें 46 क्रोमोसोम है, पता लगा कि ये ग्रुप बने हुए हैं, जैसे मान ली ए ग्रुप है, ये बी ग्रुप है, ये सी ग्रुप है, इसमें हो सकता है 10 क्रोमोसोम आए, इसमें हो सकता है 20 आए, इसमें हो सकता है 11 आए, तो यानी 10 क्रोमोसोम का एक पैकेज है, 20 का एक पैकेज है, 11 का एक पैकेज है, इनको हम क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप। क्या लिखा था, टर्म कैरियोटाइप दैट हैज बीन गिवन टू द ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम, ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एक जैसे मान लो कि ये प्लांट के एक स्पेसिफिक पोर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ना इन्हीं को हम बोलते हैं कैरियोटाइप। और इडियोग्राम क्या होता है, मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो ये दो पॉइंट्स आते हैं लिखने के लिए, इसमें से ये पूछा जाता है कि एलोसोम्स एलोसोम्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स हैं एलोसोम्स क्या होते हैं। ह्यूमन बीइंग में 46 होते हैं, उसकी एक सेल में 46 होते हैं, क्लियर कर लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपका ये आ जाइए, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ये डॉट्स के थ्रू आप स्पेशल टॉपिक पढ़िएगा, ये है स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। अभी तक तो मैंने नॉर्मल पढ़ लिया, स्पेशल स्पेशल में बच्चों हैं पॉलीटिन क्रोमोसोम एंड लैम्ब्रेस क्रोमोसोम। पॉलीटिन क्रोमोसोम जो है आपको एक गदा लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक, इस गदा लाइक स्ट्रक्चर जो है जिसको पॉलीटिन क्रोमोसोम नाम दिया गया है, इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था बल्बियानी ने, इसमें बल्बियानी ने, और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बल्बियानी रिंग भी कहते हैं। तो पाया कि ये पॉलीटिन क्रोमोसोम को सबसे पहले किसने देखा, बल्बियानी ने देखा। कहाँ देखा, तो
कहां देखा बच्चों, दो वर्ड हैं, एक तो ड्रासोफिला जिसको हम फ्रूट फ्लाई फल मक्खी बोलते हैं, उसमें ड्रासोफिला या फ्रूट फ्लाई की स्लाइमी ग्लैंड्स में इन्होंने देखा। और यह ये भी कह सकते हो आपकी डिप्टेरल ऑर्डर के इंसेक्ट्स में पाया जाता है, तो डिप्टेरल ऑर्डर के इंसेक्ट्स की स्लाइमी ग्लैंड में पाया जाता है या ड्रासोफिला की स्लाइमी ग्लैंड। ड्रासोफिला एक फ्रूट फ्लाई है, ड्रासोफिला इंसेक्ट के डिप्टेरियन ऑर्डर में आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंसेक्ट का जो डिप्टेरियन ऑर्डर है उसमें जो इंसेक्ट्स हैं जैसे कि ड्रासोफिला है की सलाइवरी ग्लैंड में पॉलीटिन क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और इसको किसने देखा, बल्बियानी ने देखा। तो ये थे बच्चों पॉलीटिन क्रोमोसोम, ह्यूमन बीच में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लैम्ब्रेस क्रोमोसोम। कहते हैं लैम्ब्रेस क्रोमोसोम उन टाइप के में देखा गया है जिनमें यॉक की मात्रा सफिशियंट हो, ऐसे एक्स जिनमें यॉक की मात्रा सफिशियंट हो उनमें इस टाइप के क्रोमोसोम्स देखे गए। कैसे लैम्ब्रेस, लक्षण ही जैसे वाटर साफ करने वाला ब्रश हो, तो ये उस लाइक दिखता है, नाम पड़ गया लैम्ब्रेस क्रोमोसोम। लैम्ब्रेस क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो लिखा है फाउंड इन एम्फीबियंस ओसाइट। एम्फीबियंस का मतलब जो फ्रॉग वगैरह है, सैलामेंडर है, फ्रॉग है, तो एम्फीबियंस के ओसाइट में पाए जाते हैं, यानी ऐसे एक्स में जिनमें यॉक की मात्रा सफिशियंट हो। तो फाउंड इन एम्फीबियंस ओसाइट एंड ऑब्जर्व ड्यूरिंग डिप्लोडिन स्टेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस जिसमें वन सेल से फोर सेल्स बनते हैं उसको मियोसिस बोलते हैं। तो मियोसिस की डिप्लोडिन स्टेज में इस टाइप के क्रोमोसोम आपको देखते हैं और बाय किस में जाते हैं, ओसाइट ऑफ एम्फीबियंस। तो ये था बच्चा स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम किस में पाया गया था, किस में देखा। नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं, डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए, कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। वन इज नाइट्रोजनस बेस, सेकंड इज पेंटोज शुगर एंड थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड। इस फिगर को अगर इतने फिगर को बच्चों देखो, तो ये क्या है नाइट्रोजनस बेस, ये क्या है पेंटोज शुगर और ये क्या है फॉस्फोरिक एसिड। या इस साइड में देख सकते हो इतना पोर्शन, ये क्या है नाइट्रोजन बेस, ये क्या है पेंटोज शुगर और ये है फॉस्फोरिक एसिड। तो डीएनए आरएनए कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। अब नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो फाइव होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब बच्चों ये जो 2 होते हैं इनको पेरियोडेज कहते हैं और ये जो लास्ट कहते हैं इनको पेरियोडेज कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब इनका स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें दो नाइट्रोजनस रिंग होते हैं, अंदर नाइट्रोजन लिखा मतलब ये दो नाइट्रोजनस रिंग से मिलकर बना होता है, दो नाइट्रोजनस रिंग से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको पेरियोडेज। लेकिन पेरियोडेज में क्या होता है, ओनली वन नाइट्रोजनस रिंग आर फाउंड, तो जिसमें केवल एक नाइट्रोजनस रिंग प्रेजेंट हो कॉल्ड पेरियोडेज, बट इट कंसिस्ट ऑफ टू नाइट्रोजनस रिंग्स कॉल्ड पेरियोडेज। नेक्स्ट बच्चों अब यह था कैडमियम क्वानिन, तो पूछा जाता है ना कैडमियम क्वानिन को पेरियोडेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ टू नाइट्रोजनस रिंग और इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन नाइट्रोजनस रिंग, सो कॉल्ड इट पेरियोडेज। तो पेरियोडेज हो गए नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन कितने होते 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। पेंटोज शुगर में आता हूं, डीएनए में बच्चों डीऑक्सीराइबोज होगी और आरएनए में राइबोज होगी, आरएनए में राइबोज और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। फास्फोरिक एसिड दोनों में पाया जाएगा। अब बात यह आती है कि डीएनए में कौन कौन से पाए जाएंगे, डीएनए में पाया जाएगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाएगा। तो फिर आरएनए में कौन कौन पाया जाएगा, तो ये लोग किसमें पाए जाते हैं डीएनए में, तो आरएनए में कौन कौन पाया जाएगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये नहीं पाया जाएगा। तो समझ गए ये वाला किसमें पाया जाता है आरएनए, तो आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, और डीएनए में कौन कौन से होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। ये हो गया बच्चों। अब आया कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, तो अभी आपने बोला कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, और इसमें कौन कौन से हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, तो कौन सा वर्ड चेंज है लास्ट वाला, ठीक। नेक्स्ट बच्चों इसमें डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर फाउंड, ये लिखा हुआ डीऑक्सीराइबोज और इसमें राइबोज टाइप ऑफ पेंटोज शुगर फाउंड, दो डिफरेंस हो गए। नेक्स्ट है कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है,
हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है कि जो डीएनए होता है वो जेनेटिक होता है और जो आरएनए होता है वो जेनेटिक और नॉन जेनेटिक दोनों होता है, जेनेटिक और एजेनेटिक और नॉन जेनेटिक दोनों होता है। तो डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है, ये टेबल हो गई। अब बच्चों आता है कि एक क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, फिगर बना होता है एग्जाम में। तो ये जो नाइट्रोजन बेस है फाइव होते हैं, एक नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक पेंटोज शुगर होती है। तो जब नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर आपस में कंबाइन होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन बच्चों पूरा अगर कंबाइन नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड तीनों कंबाइन हो जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए क्या हम ओनली वन, यहाँ कौन सा नाइट्रोजन बेस है, वाइन पेंटोज शुगर, तो नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर मिलेंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। और अगर नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड तीनों मिल गए तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। दूसरी बात बच्चों यहाँ पर साइटोसिन लिखा है, यहाँ पे ग्वानिन लिखा है, जी फॉर ग्वानिन सी फॉर साइटोसिन। तो यहाँ पर एडेनिन यहाँ पे थायमिन। इरविन चार्का एक साइंटिस्ट है बायोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया है कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। मींस ये भी बोला उन्होंने इनके इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और इनके इनके बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। तो जी के साथ या सी के साथ में सर इनके अगल बगल कौन हो गया, यही हो गया। तो जी के साथ सी हो गया, सी के साथ जी, ए किसके साथ जुड़ेगा, टी के साथ, और टी किसके साथ जुड़ेगा, ए के साथ। तो इन दोनों पेयर में आप ये देखते हो गए कि जैसे ग्वानिन क्या है, ग्वानिन आपका प्यूरिन्स है, तो ये साइटोसिन क्या है, पिरिमिडिन्स। एक प्यूरिन्स होगा तो दूसरा पिरिमिडिन्स, एक प्यूरिन्स है तो दूसरा पिरिमिडिन्स। मीन्स ये हुआ कि प्यूरिन प्यूरिन जैसे क्या है, पिरिमिडिन, और ये क्या है, प्यूरिन। तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। थैंक यू। अंकित सर के साथ प्यूरिन्स या प्यूरिन के साथ प्यूरिन्स।